तो गाइस आज हमारे पास है सैमसंग का न्यूली अनाउंस्ड गैलेक्सी A52, नॉट टू बी मिस्टेकन एज गैलेक्सी A72, बिकॉज दोनों में कोई ज़्यादा सा डिफरेंस है नहीं, बस साइज का डिफरेंस है। A72 थोड़ा सा साइज में बड़ा है कंपेयर टू A52, और अगर मैं आपको साइज के बारे में ना बताऊं तो आप नहीं बता सकते कि कौन सा A52 है और कौन सा A72। लेकिन A72 के बात करेंगे उसके रिव्यू में, और गाइस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन आज हम करेंगे गैलेक्सी A52 का रिव्यू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। तो इसका डिज़ाइन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों को इसका डिज़ाइन पसंद नहीं आया। मैंने भी पहली बार जब इसको लाइक ट्रेलर्स वगैरह में देखा तो मुझे भी कोई इतना खास नहीं लगा। इवन दो कि मैंने अपने कुछ एक फ्रेंड्स के पास ये फोटोज़ भेजी तो उन्होंने भी ये कहा कि लाइक यार ये फ़ोन कुछ खिलौने जैसा नहीं लग रहा है। लेकिन गाइज अब मैं इसको पिछले काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ तो अब मुझे ये खिलौने जैसा नहीं लगता। आई एम गेटिंग यूज टू इट, और अब मुझे काफ़ी पसंद आने लगा है, स्पेशली ये ब्लू कलर। लेकिन इसके तीन और कलर है, इंक्लूडिंग ब्लैक, वाइट और ये पिंकिश वॉयलेटिश। इस स्मार्टफोन का जो ये बैक पैनल है वो प्लास्टिक से बनाया गया है विद ए मैट फिनिश। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको फील हो सकता है कि ये प्लास्टिक का है, ग्लास का नहीं है। लेकिन गाइस इतना ध्यान से कोई नहीं देखता है, और मोस्टली अगर आप जैसे लाइक यहाँ पे मैंने गैलेक्सी नोट पर अपने स्किन चढ़ाई हुई है, तो अगर आप ऐसी कोई स्किन चढ़ा लेते हो या फिर स्मार्टफोन को कवर में रखते हो तो आपको प्लास्टिक होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और प्लास्टिक का एक बेनिफिट ये है कि आप बेशक से इसको गिरा लो तो क्योंकि ये प्लास्टिक है तो एटलीस्ट ये टूटेगा तो नहीं। और मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि आई एम स्टार्टिंग टू लव दिस डिज़ाइन। और गाइस इस डिज़ाइन की एक और इम्पोर्टेंट बेनिफिट है, और वो हमें आई थिंक इस प्राइस रेंज में किसी और स्मार्टफोन में नहीं मिलता, और वो है वाटर प्रूफिंग, और बेटर सेड वाटर रेजिस्टेंस, IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस। तो गाइस वाटर रेजिस्टेंस एक ऐसा फीचर है जो कंपनीज अपने ओनली टॉप एंड स्मार्टफोन्स में देती हैं, जैसे कि गैलेक्सी S21 अल्ट्रा में हमें मिलता है, iPhone 12 प्रो मैक्स में मिलता है। तो इस बजट में इस स्मार्टफोन के लिए ये फीचर देना काफ़ी बड़ी बात है। 26,000 रुपये में आई डोंट थिंक कि यू विल फाइंड एनी अदर स्मार्टफोन विद IP67। बट गाइज बेसक से इसमें IP67 हो, मैं स्टिल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप विदाउट एनी रीजन के स्मार्टफोन को गीला करें। हाँ IP67 है, मगर ये ऐसा होता नहीं है, बट मान लो कि अगर आपका स्मार्टफोन वाटर डैमेज हो जाता है तो सैमसंग उसको वारंटी क्लेम में नहीं लेता है, चाहे IP67 हो या फिर 68 हो, बट आप यूज़ कर सकते हो। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, 1 in a million चांस है कि आपका स्मार्टफोन वाटर डैमेज हो जाए, जो कि गाइज मेरे साथ हुआ था। मेरा गैलेक्सी S9 Plus IP68 था और वो लाइक इतनी सी वाटर की डेप्थ में खराब हो गया था, जो कि मैंने फिर बाद में ठीक कर लिया था। लेकिन गाइज स्टिल डोंट टेक द रिस्क। तो नेक्स्ट बात करते हैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। सैमसंग की डिस्प्लेस का कलर रिप्रोडक्शन ऑलवेज वन ऑफ द बेस्ट होता है, बट स्पेक्स में सैमसंग थोड़ा बहुत पीछे रह जाता है, और वही सेम थिंग गैलेक्सी A52 के साथ भी है। ब्राइटनेस और कलर एक्यूरेसी तो इस स्मार्टफोन की क्लास लीडिंग है, बट गाइस 2021 में जब हम रिफ्रेश रेट की बात करते हैं तो हमें सिर्फ 90 Hz मिलता है गैलेक्सी A52 में, जबकि लाइक इसके आधे प्राइस वाले स्मार्टफोन्स हैं जो कि लाइक रेडमी नोट 10 प्रो, उसमें हमें 120 Hz का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर सैमसंग इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, लेकिन फिर भी 90 Hz काफ़ी अच्छा है। डू आई विश कि इसमें 120 Hz होता? यस गाइज ऑब्वियसली हु वुडंट वॉन्ट 120 Hz, बट एम आई हैप्पी विद 90? या 100% आई एम हैप्पी विद 90, और बिकॉज इसकी कलर एक्यूरेसी और ब्राइटनेस कंपटीशन से बेटर है, तो 90 Hz की गैलेक्सी A52 की डिस्प्ले मेरे सेंस में लाइक अगर आप कंपेयर करें 1 by 1 तो Redmi Note 10 Pro टाइप के स्मार्टफोन से बेटर है, इवन दो उनमें 120 Hz है। और गाइस जो 60 से 90 का जंप है वो काफ़ी बेटर और काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल है कंपेयर टू 90 Hz से जो 120 Hz का जंप है। हमारी ये जो आइज है ना गाइज, ये इसी तरह से प्रोग्राम हुई है कि एक लिमिट के बाद हमें उस सेम अमाउंट ऑफ डिफरेंस भी नोटिस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप 1 nits ऑफ ब्राइटनेस और 2 nits ऑफ ब्राइटनेस में इजिली डिफरेंस बता सकते हो, लेकिन 600 nits और 700 nits में आप डिफरेंस बिल्कुल नहीं बता पाओगे। तो 90 से 120 हर्ट्ज का मेरा कहने का मतलब है कि आप नोटिस नहीं करोगे, और 90 इज स्मूथ इनफ। इसके अलावा जैसे मैं बता चुका हूँ, डिस्प्ले काफ़ी बेजललेस है विद अ वेरी वेरी स्मॉल होल पंच, जिसमें हमें देखने के लिए मिलता है 32 megapixel का सेल्फी कैमरा। और अगर गाइस कैमरास की बात चल ही पड़ी है तो इस स्मार्टफोन में हमें देखने के लिए मिलते हैं 4 cameras, जिनमें है 64 megapixel का प्राइमरी कैमरा,
12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो। जो एक चीज हमें इस स्मार्टफोन में देखने के लिए नहीं मिलती वो है एक डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस। उसकी जगह पर हमें मिलते हैं 2 वेस्टफुल लेंसेज इंक्लूडिंग डेप्थ और मैक्रो। बट स्टिल गाइस, कैमरा की अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच है। जो स्मार्टफोन का मेन कैमरा है वो बाय डिफॉल्ट तो 16 मेगापिक्सल की पिक्स कलेक्ट करता है, लेकिन हम ऑप्शन से वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं 64 मेगापिक्सल वाला मोड, जो कि हमें काफी ज्यादा डिटेल्स देता है कंपेयर टू 16 मेगापिक्सल, गिवन कि इनफ लाइट हो सीन में। बिकॉज अगर लाइट डिम है गाइस तो 16 मेगापिक्सल की बिंड फोटो इज बेटर देन 64 मेगापिक्सल वाली नॉर्मल हाई रेज फोटो। कलर बैलेंस भी इस स्मार्टफोन का एक्सेलेंट है विद ग्रेट HDR परफॉर्मेंस। शेडोज एंड हाइलाइट्स बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। अल्ट्रा वाइड डज व्हाट इट इज सपोज्ड टू डू, इट टेक्स एक्सेलेंट पिक्स जैसे कि ये वाली विद इनफ डिटेल। बट अगर हम नोटिस करें तो कई जगह पर ये फ्रिंजिंग है, जैसे कि यहाँ पर ये पर्पल फ्रिंजिंग है और शॉट में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है, बट फॉर अल्ट्रा वाइड इट इज गुड इनफ। और इस प्राइस के जो दूसरे अल्ट्रा वाइड कैमरा वाले स्मार्टफोन्स हैं जिन्हें मैंने टेस्ट किया है, तो ये स्मार्टफोन का अल्ट्रा वाइड एटलीस्ट उनके लेवल पर तो जरूर है, इफ नॉट एनी बेटर। और गाइस, डेप्थ सेंसर और मैक्रो की तो बात ही क्या करनी है। पोर्ट्रेट की हम बात करें तो एज डिटेक्शन ठीक है, काफी अच्छे पोर्ट्रेट्स हैं, और मैक्रो से लाइक कोई शॉट्स लेता भी है या नहीं। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की। तो सैमसंग ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि उन्होंने अपने इन हाउस एक्सिनोस को बाय कहकर स्नैपड्रैगन का 750G यूज किया है, जो कि मेरे हिसाब से एक वेरी बिग स्टेप है राइट डायरेक्शन में। पिछले साल जो गैलेक्सी A51 था उसमें सैमसंग ने आई थिंक एक्सिनोस 9611 यूज किया था, जो कि अपने लेवल के तो छोड़ो, A51 से जो हाफ प्राइस वाले स्मार्टफोन्स थे उनमें भी हमें बेटर प्रोसेसर मिलता था। तो ये काफी बड़ी अकेली सेल्स थी गैलेक्सी A51 की। तो ये काफी बड़ा स्टेप है कि सैमसंग ने A52 में स्नैपड्रैगन 750G यूज किया है, और ये वाला प्रोसेसर गाइस अपने कंपटीशन से बेटर है। जैसे कि हमें Redmi Note 10 Pro Max में मिलता है 762G और Vivo में मिलता है MediaTek Dimensity 800U, तो उनसे बेटर है Snapdragon 750G। और थैंक्स टू दिस 750G, गेमिंग परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन की काफी एक्सेलेंट है। हैवी गेम्स जैसे कि Asphalt 9 हो या फिर कोई भी और गेम हो, ये स्मार्टफोन इजिली हैंडल कर लेता है बिना किसी ग्लिचेस के। और गाइज, गुड न्यूज, PUBG इज कमिंग बैक, जिसका नया नाम होगा Battleground Mobile India BMGI। तो काफी मजा आएगा गाइस, एटलीस्ट स्मार्टफोन टेस्टिंग के टाइम पर मैं अपने पसंद का तो गेम खेल पाऊंगा और आपको भी हर स्मार्टफोन की पबजी परफॉर्मेंस बता पाऊंगा। तो गाइस, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नाउ जो लास्ट थिंग रहती है स्मार्टफोन के बारे में वो है इसकी बैटरी परफॉर्मेंस। तो इस स्मार्टफोन में हमें मिलती है एक 4500 mAh की लिथियम आयन बैटरी और साथ में फ्री मिलता है 25W का फास्ट चार्जर। मेरी टेस्टिंग में तो इजीली एक दिन का बैटरी बैकअप है विद हैवी यूसेज, और इसका भी मेन थैंक्स अगेन गोज टू स्नैपड्रैगन 750G। अगर सैमसंग ने यहाँ पर भी अपना कोई एक्सिनोस का प्रोसेसर यूज किया होता तो बैटरी बैकअप आई कैन इजीली से कि हमें जो अभी मिलता है करंटली उससे 30-40% वर्स्ट होता। तो गाइस, ये था सैमसंग गैलेक्सी A52 का रिव्यू। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है स्मार्टफोन के बारे में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। और गाइस, जो गैलेक्सी A72 है उसका और ये अपना LG Wing, इसका रिव्यू अभी अंडर प्रोग्रेस है, जो कि चैनल पर आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा। तो उसके लिए चैनल को 100% सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक बिल्कुल कर दें। और इसी के साथ गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम।